आज हम आपके संग यूपी के खास तरीके से बनी उड़द दाल की रेसिपी शेयर करेंगे और वो भी बिल्कुल ढंग से। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ आपको ढेरों रेसिपी मिलेगी। अब शुरू करते हैं। आधा किलो उड़द की दाल जो छिलके वाली है, 200 ग्राम चने की दाल। हम पूरे मसालों के साथ सही मेजरमेंट्स भी देंगे, जैसे यूपी में बड़ी बनाने की परंपरा है, मसाले भी डालें। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ आसानी से समझा पाएं, ताकि किसी भी प्रकार की गलत फहमी ना हो। क्योंकि हम यूपी के तरीके से बड़ी बनाने वाले हैं, इस बड़ी को बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। हमें दाल में पानी डालना है। अब हम इसे पहले साफ कर लेंगे। आप चाहे तो बिना छिलके वाली दाल से भी बड़ी बना सकते हैं, पर मैंने दोनों तरीकों से बनाया और पाया कि छिलके वाली दाल से बनी बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर पानी डालकर इसे रात भर के लिए भिगो देंगे, जिससे दाल अच्छी से फूल जाती है और छिलका भी आसानी से निकल जाता है। फिर अगले दिन आप देखेंगे कि दाल अपनी मूल मात्रा से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हो, छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। यह प्रोसेस 3 से 4 बार पानी गर्मते हुए करना होगा। अगर कुछ छिलके बच भी जाएं तो बड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी कि छिलके अच्छे से निकल जाए। अब दाल साफ़ हो गई है। अब हम थोड़ी सी हींग लेंगे, तो आइए अब हम इसमें बस 1 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़ी बनाने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। इतना पानी की हींग अच्छे से भून जाए, क्योंकि बड़ी में हींग का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है, जिससे हमारी बड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और देखो, दाल से छिलका भी अच्छे से हट गया है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिख भी जाए तो कोई बात नहीं, सब दाल अच्छे से साफ हो गई है। अब इस दाल को पीसना होगा, लेकिन ध्यान रखें, पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हमने छोटी साइज की मिक्सी की जार ली है, ताकि थोड़ी थोड़ी दाल पीस सके। अब हमने दाल पीस ली है और हींग भी पानी में अच्छे से घुल चुकी है, तो अब इस हींग को इसमें मिलाएंगे। हींग थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। हींग डालने के बाद हमें दाल बहुत अच्छे से पीटना होगा, तो उसे जम कर पीटे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा खाना है तो मेहनत भी तो जरूरी है ना, स्टोर भी करके रखना है। 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पीटे। हमने यहाँ पर सफ़ेद कद्दू लिया है, जिसका वजन 1.5 किलो है, लेकिन पुराने समय में चली आ रही बड़ी की रेसिपी में इसका उपयोग होता है। इसे छीन कर और कद्दू कस करके या फिर बारीक काट लीजिए। अगर आपके पास सफ़ेद कद्दू नहीं है तो आप इसे बिना कद्दू के भी बना सकते हैं। यूपी के इस बरी में सफ़ेद कद्दू या पेठा कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है। हाथों की सहायता से पानी निचोड़ दीजिए, पानी को बरी में नहीं डालना है। जब ये अच्छे से फिट गई होगी तो देखेंगे कि पेस्ट फ्लफी हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम की तरह, इसलिए इसे खूब अच्छे से पीटना पड़ता है। 1 कप में पानी लेकर जरा सा पेस्ट डालें, और अगर ये पानी में तैरता है और फैलता नहीं है तो समझ लें कि दाल अच्छे से पीटी गई। देखेंगे कि ये एकदम ऊपर तैर रहा है, मतलब है कि यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। अब इसमें कद्दू डालिए, 150 ग्राम अदरक छीलकर कद्दूकस करके डालिए। इसमें हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हरी धनिया की पत्तियां भी डालेंगे। कई लोग बड़ी में धनिया की पत्तियां नहीं डालते, इसलिए आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ गरम मसाला का पाउडर लिया है 300 ग्राम। आप चाहें तो मार्केट का भी गरम मसाला ले सकते हैं। 100 ग्राम कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर लिया है। यहाँ पर मैं 250 ग्राम हरी मिर्च, हरी मिर्च को काटना नहीं बल्कि इसे भी ग्राइंड कर लेना है या फिर इसे कूट लीजिए। आप हरी मिर्च डालते समय या तो ग्लव्स पहन लें या फिर एक कलछी की मदद से मिश्रण को मिलाएं, ताकि आपके हाथों में जलन ना हो। या सूखने के लिए पंखे की हवा नहीं बल्कि सीधे धूप की ज़रूरत होती। अगर आपके पास धूप की सुविधा नहीं है तो भी आप बड़ी बना सकते हैं, लेकिन छोटी मात्रा में, ताकि इसे पंखे की हवा में सुखाया जा सके। थोड़ी मात्रा में बनाने से वह आसानी से जल्दी सूख जाए। हमारा मिश्रण अब तैयार है और अब हम इसे छत पर ले जा रहे हैं।
जहां हम इसे सुखाने वाले हैं। और अब इस मिश्रण को छोटी छोटी बॉल्स या पकौड़ियों का सेट बनाकर सूखने के लिए रखें। आप चाहें तो अपनी पसंद की बनियान छोटी या बड़ी बना सकते हैं। और हाँ, इन्हें सूखने में 7 से 8 दिन लगते हैं। धूप भी खूब तेज होनी चाहिए। हम इन्हें ऐसे ही धूप में छोड़ देंगे और देखते ही देखते कितनी बनियान तैयार हो चुकी हैं। पर पूरी तरह से तैयार तो तब मानी जाएगी जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो हम इन्हें सूखने दें और सूखने के बाद मैं दिखाऊंगी कि इनका लुक कैसा होता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें। देखो, ये बढ़िया जो है अच्छे से सूख चुकी है और हमने इन्हें 10 दिन तक धूप में सुखाया है। सूख जाने के बाद इन्हें अच्छे से स्टोर करके रखो। सालों साल तक ये खराब नहीं होती है और इनका स्वाद भी लाजवाब होता है। उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हाँ, फॉलो भी कर दीजिएगा।